नमस्कार दोस्तों, घर में दरिद्रता आने के क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, रसोई घर के साथ में बाथरूम का होना ये भी एक कारण है दरिद्रता आने का। टूटी हुई कंघी से कंघा करना, टूटा हुआ सामान उपयोग करना, अगर आपका सामान कोई टूट जाता है तो उसे आपको फेंक देना चाहिए। घर में कूड़ा करकट इकट्ठा करना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, संध्या वेला में सोना, ये सभी कारण जो मैं बता रही हूँ ये दरिद्रता आने के कारण हैं। मेहमान आने पर नाखुश होना, दांत से नाखून काटना, इससे भी दरिद्रता आती है घर में। फटे हुए कपड़े पहनना, सुबह सूरज निकलने के बाद तक सोते रहना, उल्टा सोना, मुंह के बल सोना, शमशान भूमि में हंसना, हाथ धोए बगैर भोजन करना, अपनी औलाद को हरदम कोसना, ये भी एक दरिद्रता का कारण है। साधु या फकीर को अपमानित करना, फूंक मारकर दीपक बुझाना, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। ईश्वर को धन्यवाद किए बिना भोजन करना, जूते चप्पल उल्टा देखकर उसको सीधा ना करना, मकड़ी का जाला घर में लगा रहे तो भी दरिद्रता आती है, समय समय पर उसे साफ करना चाहिए। रात में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। किसी की भी गरीबी और लाचारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दांतों को गंदे रखना और रोज स्नान न करना, इससे तो आपको पता है दरिद्रता आती ही आती है। बिना स्नान किए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। गंदे बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, बिस्तर हमेशा साफ होना चाहिए। और क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे को अपने से हीन समझना, ये सब दरिद्रता के कारण हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखा करें, आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।